मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करवा रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, जो 11th और 12th क्लास में आता है। ठीक है, हम इस तरीके से कराएंगे कि इसमें 11th और 12th का सारा कंटेंट कवर हो जाए और आपको अगर कोई एग्जाम की तैयारी करनी हो तो भी आपका बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल छोटी छोटी टर्म से। ठीक है, हो सकता है थोड़े वीडियो लंबे हो जाए लेकिन बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा सारा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है भाई? देखो, ऑर्डर्ड पेयर होता है जैसे मान लो ए और बी, इस तरीके से कोई सेट दिया हुआ है हमें, सब सेट। ठीक है, जिसमें ए तो है वो बिलोंग करता है कैपिटल ए से, ए कोई सेट है। फिर बी है वो बिलोंग करता है कैपिटल बी से, बी कोई सेट है। यानी ए और बी, ए एलिमेंट हो गए कैपिटल ए के और बी एलिमेंट हो गए कैपिटल बी के। तो ए और बी एक क्या बन गया? ऑर्डर्ड पेयर, एक पेयर बन गया। ठीक है, अब देखो ए और बी जो होते हैं ना, ये कोई एलिमेंट्स नहीं होते। एलिमेंट तो होते हैं, मतलब जस्ट एलिमेंट नहीं होते, बस कि कोई ऐसा नहीं है कि टू और थ्री कोई वैल्यू हो गई, यानी टू और थ्री। ये पोजीशन होती है किसमें? टू डायमेंशनल में, टू डायमेंशनल पोजीशन। जैसे हम एक्स वाई करते हैं ना, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इसमें पोजीशन होती है। जैसे मान लो टू यहां पे और थ्री यहां पे है, तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। तो ये दो पॉइंट हो गए, यानी दो वैल्यूज हो गई, तो ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। समझ गए? तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ये टू डायमेंशनल में होता है, थ्री डायमेंशनल में भी होता है, लेकिन उसमें तीन पॉइंट हो जाते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, यहां पे हम दो पॉइंट लेते हैं तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। यानी एक पेयर होता है वो ऑर्डर्ड में होता है, यानी ए ए है और बी बी है, इनको उल्टा नहीं लिख सकते, बी और ए नहीं लिख सकते। ठीक है, ये गलत हो जाता है, ये सही है। तो यानी ए सारे एलिमेंट्स हैं ए के और बी सारे एलिमेंट्स हैं बी के। ठीक है, तो देखो भाई इतना समझ में आया। फिर आता है हमारा इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब अगर मान लो सपोज करो हमें दो पेयर दिए हुए हैं, जैसे मान लो एक के एलिमेंट है A1 B1 और दूसरे के हैं A2 और B2। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ये समझ लेना ध्यान से, ये पॉइंट्स हैं जो इनको नोट करते रहना, ये वाला इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब ये दोनों इक्वल होंगे, कब होंगे? इन्हें इक्वल कहा जाएगा अगर ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो। अब ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से हो गया, समझ गए? यानी एक्स तो है वो एक्स के इक्वल है और वाई जो है वो वाई के इक्वल है। समझ गए? तो इस तरीके से होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा दूं, वो बोल मान लो उसने क्वेश्चन दिया है कि भाई 3a-2 ये एक एलिमेंट है और b+3 ये दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, ये a की जगह आ गया, ये b की जगह, और ये इक्वल है 2a-1 और 3 के। समझ गए? और वो पूछे कि भाई हमें a और b की वैल्यू निकालो, और ये ऑर्डर्ड पेयर में इक्वल है, दे आर इक्वल इन ऑर्डर्ड पेयर, तो हम इसको इसके इक्वल रखेंगे और इसको इसके इक्वल रखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे 3a-2 इक्वल टू 2a-1, 2a को उधर ले जाएंगे a बच गया, और 2 उधर जाएगा तो माइनस का है ना, इधर 2 उधर प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो 1 आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1। ठीक है, ऐसे ही फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो b+3 इक्वल टू 3 और b की वैल्यू क्या आ गई 0, 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी ये ऑर्डर्ड पेयर में इक्वल है। तो ऑर्डर्ड पेयर में इक्वल का क्या मतलब हुआ? पहला एलिमेंट है वो दूसरे के पहले के इक्वल है और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे के इक्वल है। ठीक है, यानी फर्स्ट फर्स्ट के और सेकंड सेकंड के, इसको बोलते हैं हम इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, फिर आता है हमारा कार्टेजन प्रोडक्ट, कार्टेजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो देखो कार्टेजन प्रोडक्ट में कई चीजें होती हैं, जैसे मान लो मैं पहले बता दिया मैंने ए कोई सेट है। ठीक है, इस सेट के अंदर है 1 2 3, यानी ये इसके एलिमेंट्स हो गए, इनको हम ए में काउंट करते हैं। ठीक है, यानी जो हम ग्रुप बनाते हैं ना ए और बी का, तो ए की जगह हम इनमें से लेंगे कोई भी, फिर ठीक है, और फिर कोई दूसरा सेट है बी, बी के अंदर है पी क्यू और आर। ठीक है, तो ये दूसरा सेट क्या हो गया? पी क्यू आर। अब जो बी है ना, बी की जगह हम इनमें से लेंगे पी क्यू या आर कोई भी। अब ऑर्डर्ड पेयर है तो 1 के साथ पी, फिर 1 के साथ क्यू, फिर 1 के साथ आर, फिर 2 के साथ पी, इस तरीके से हम लेंगे, उसको हम बोलते क्या है? ए क्रॉस बी। ये हो गया कार्टेजन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी क्या होता है? हमारा कार्टेजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ठीक है, और ये होता कैसे? ए और बी, यानी इसमें ऑर्डर्ड पेयर जो बनेंगे वो ए बी, ए बी यानी ए इसका एलिमेंट लेंगे और बी इसका एलिमेंट लेंगे। यानी इसका क्या मतलब हो गया कि ए तो जो है वो बिलोंग करता है ए को और बी जो है वो बिलोंग करेगा बी को। ठीक है, इस तरीके से हम इसके ए क्रॉस बी की प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ए क्रॉस बी की प्रोडक्ट बनाएंगे तो देखो ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहला क्या बनेगा? 1 और पी, फिर दूसरा क्या बनेगा? 1 और Q, फिर तीसरा क्या बनेगा? 1 और R, फिर चौथा क्या बनेगा? 2 और P, फिर 2 और Q, फिर 2 और R, ठीक है, फिर 3 और P, फिर 3 और Q, और फिर
थ्री और आर, इस तरीके से बन गया। ये अब हमारा क्या हो गया, ए क्रॉस बी, ठीक है। इसको हम कार्टेजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स बोलते हैं। टू सेट कौन कौन से हुए, एक तो ए और एक बी, दो सेट की कार्टेजन प्रोडक्ट की, तो ये आए, ठीक है। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ एलिमेंट हो गए, ठीक है। इसका एक और भी फॉर्मूला होता है, अगर हमें मान लो पता नहीं चले भाई कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो हम टोटल एलिमेंट गिनते हैं। इसके थ्री हैं और इसके थ्री हैं, यानी थ्री इंटू थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, यानी नाइन बनेंगे इसके, ठीक है। टोटल कितने एलिमेंट बनेंगे, ए क्रॉस बी के नाइन एलिमेंट बनेंगे। अगर नाइन नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो होता है हमारा कार्टेजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो ये तो था थोड़ा सा क्या है, इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, देखो भाई, तो रिलेशन समझने के लिए बिल्कुल सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। तो बोल रहा है कोई भी जो नॉन जीरो सबसेट होते हैं ना, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको डिफाइन किया था ए क्रॉस बी, उसके अंदर क्या हो गया, रिलेशन बन रहे थे, यानी ए और बी, ए और बी क्यों ले रहे थे, यानी ए के साथ रिलेशन था बी का, ठीक है। अब ये रिलेशन क्या होता है, ये मैं आपको समझाता हूं। देखो जैसे सपोज करो रिलेशन को शो कैसे करते हैं, अब इसमें क्या होता है, ए रिलेशन टू बी, जो पहले वाला है ना उसका रिलेशन दूसरे के साथ होता है, ठीक है। देखो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, पहले आर, ठीक है, आर क्या हो गया, एक रिलेशन, ठीक है। अब रिलेशन में क्या आ गया, दो हो गए हमारे एलिमेंट्स ए और बी, ठीक है। अब ये ए और जो बी है ना, ये किस तरीके से है, ए तो बिलोंग करेगा, मतलब ए बी है वो बिलोंग करेंगे दोनों ए क्रॉस बी को, यानी जो ए बी के एलिमेंट्स बनेंगे ना वो ए क्रॉस बी दोनों के बिलोंग करेंगे। और किस तरीके से बिलोंग करेंगे, कि भाई जो ए है ना उसके रिलेशन बनेंगे बी के साथ, ठीक है। ये इस पूरी लाइन का स्टेटमेंट होता है, यानी आर, आर एक क्या है, एक रिलेशन है। रिलेशन कैसे है, रिलेशन में ए बी एक एलिमेंट है, और ए बी एलिमेंट कैसे है, ए बी एलिमेंट है ना वो ए क्रॉस बी का एक क्या है, एलिमेंट। और ए क्रॉस बी में ए बी कैसे है, भाई ए का रिलेशन है बी के साथ कुछ, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल, यू नीड टू बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। देखो जैसे ए ले लिया, ए इज टू थ्री फाइव, ठीक है, ए के अंदर टू थ्री फाइव हो गया, और बी के अंदर भी हो गए कुछ एलिमेंट, वन फोर नाइन ट्वेंटी फाइव और थर्टी, ठीक है। अब ऐसे तो देखो अगर सीधा बनाना है तो हमें टू के साथ वन, फिर फोर, फिर नाइन, फिर, ठीक है। अब अगर वो रिलेशन पूछ ले, हमारे से पूछ ले भाई सीधा, अगर हमें कार्टेजन प्रोडक्ट करनी है तो हम डायरेक्ट कर देंगे जैसे अभी पहले किया था हमने, ठीक है। अब वो रिलेशन पूछे, ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ए के साथ बी का रिलेशन है, और रिलेशन क्या है, बी इज अ स्क्वायर ऑफ ए, बी जो है ना वो स्क्वायर है ए का, यानी इसके अंदर इस वाले के स्क्वायर है, ठीक है। तो रिलेशन बनाओ, तो जब हमारे डिस्क्रीट एलिमेंट बनेंगे वो बनेंगे, जैसे पहले ले लिया हमने टू, अब टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर, तो बी में से लेंगे हम फोर, ठीक है। फिर दूसरा लिया हमने थ्री, अब इसमें से क्या बनेगा, थ्री का स्क्वायर क्या होता है, नाइन। फिर हमने लिया फाइव, फाइव का स्क्वायर क्या होता है, ट्वेंटी फाइव, बस यही तीन आ गए। अब ये तीन एलिमेंट हो गए जिनका रिलेशन हो गया ए टू आर, आया समझ में। तो देखो अगर ये नहीं समझ में, तो एक एग्जांपल और देख लो, जैसे ए क्रॉस बी निकालेंगे हम, हमारे पास एक है ए एलिमेंट, ए एलिमेंट में हमें दिया हुआ है जयपुर, फिर पटना, फिर कानपुर, ठीक है, और फिर दे दिया लखनऊ। और बी जो एलिमेंट दे दिया वो दे दिया राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। इंग्लिश मेरी वीक है भाई थोड़ी, अगर कोई प्रोनंसिएशन में प्रॉब्लम हो तो यू कैन चेक आउट। अब देखो ए और बी दो एलिमेंट दे दिए, अब क्या बोल रहा है, जो इसके मेंबर एलिमेंट बनेंगे, ए रिलेशन बी, ए के साथ रिलेशन होगा, ए क्या होगा, ए इज अ कैपिटल ऑफ बी, कैपिटल ऑफ बी, अब हम बना देंगे, ठीक है। यानी ए क्रॉस बी जो हमारे बनेंगे वो क्या बनेंगे, ए, ए ले लिया जयपुर, जयपुर किसकी कैपिटल है, राजस्थान, तो ए की जगह तो आ जाएगा जयपुर और बी की जगह आ जाएगा राजस्थान, ठीक है, ये पहला एलिमेंट बन गया। फिर दूसरा पटना, पटना किसके साथ है, बिहार के साथ, तो ए की जगह आ जाएगा पटना और बी की जगह आ जाएगा बिहार, ठीक है। फिर कानपुर, कानपुर क्या है, कानपुर कोई कैपिटल है ही नहीं, फिर लखनऊ, तो लखनऊ ले लेंगे, एल यू सी के एन ओ डब्ल्यू, कानपुर कोई कैपिटल नहीं है इसलिए इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें रिलेशन में ए जो है वो कैपिटल लेनी है बी की। उधर देखो बी का रिलेशन बता दिया था, बी जो है वो स्क्वायर है ए का, और इधर ए का बता दिया, ए जो है वो इसका है, तो लखनऊ,
और लखनऊ किसका है? उत्तर प्रदेश का, तो लखनऊ के साथ ले लेंगे हम यूपी। ठीक है, ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा रिलेशन। अभी हमने समझा था रिलेशन, तो अब हम क्या समझेंगे? डोम, डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज क्या होती है? ठीक है, तो देखो डोमेन और रेंज को समझ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है, वैसे तो कुछ हार्ड नहीं होता है। देखो इफ, यदि बोल रहा है आर बी अ रिलेशन, ठीक है, आर बी रिलेशन किससे? फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, तो सेट ए और सेट बी के बीच में रिलेशन होता है, तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है ना उनको हम बोलते हैं डोमेन, और सेट बी के जितने एलिमेंट आएंगे ना उनको बोलेंगे रेंज या कोऑर्डिनेट बोलो। यानी सेट ए के जितने भी कोऑर्डिनेट हो गए वो डोमेन हो गए, और सेट बी के क्या हो गए? रेंज। यानी जैसे ए और बी आता है ना, तो ए तो क्या हो गए? सारे डोमेन, और बी क्या हो गए? सारे रेंज। ठीक है, यानी फर्स्ट एंट्री जो हो गई ये पहली एंट्री हो गई हमारी, फर्स्ट एंट्री बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, फर्स्ट एंट्री, और ये क्या होगी? सेकेंड एंट्री। तो सेकेंड एंट्री तो क्या होगी? हमेशा रेंज होगी, और फर्स्ट एंट्री क्या होगी? डोमेन होगी। तो देखो एक एग्जांपल देता हूं, उससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल में क्या बोल रहा है? ए हमें दिया हुआ है 1, 3, 5 और 7। ठीक है, 1, 3, 5 और 7, और फिर बी हमें क्या दिया हुआ है? 2, 4, 6 और 8 ये दिए हुए। अब ए रिलेशन बी, ए के साथ बी का रिलेशन है। रिलेशन क्या है? जो ए है ना वो बड़ा है बी से, बस यही रिलेशन है। ठीक है, और ए तो बिलोंग कर रहा है ए को, और बी बिलोंग कर रहा है बी को। ठीक है, वैसे ही सेम, तब हम रिलेशन बना देंगे। अब देखो भाई, अगर हम वन लेते हैं तो वन में, वन से वन इसमें से किसी से बड़ा नहीं है, तो वन को छोड़ देंगे। फिर हम लेंगे थ्री, तो थ्री किससे बड़ा है? टू से, तो थ्री और टू हमारा एक ग्रुप हो गया। ठीक है, बाकी थ्री किसी से बड़ा नहीं है तो छोड़ देंगे। अब लेंगे फाइव को, फाइव किससे बड़ा है? टू से है। ठीक है, और किस किस से बड़ा है? फोर से भी है, और भी किसी से बड़ा है? नहीं है, तो अब छोड़ देंगे। अब सेवन लेंगे, सेवन किससे बड़ा है? टू से। फिर सेवन किससे बड़ा है? फोर से। फिर सेवन किससे बड़ा है? सिक्स से। एट से बड़ा है नहीं, तो बस ये। ठीक है, तो अब ये जो थ्री फाइव फाइव सेवन 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 ये क्या हो गई? रेंज, और बाकी वाले हो गए डोमेन। ठीक है, इसका हम दूसरा एक इस टाइप से भी बनाते हैं। ठीक है, जिसमें पहले वाले एलिमेंट्स क्या थे, जो जो इसमें आ गए। अब थ्री आया, फाइव आया और सेवन, तो थ्री फाइव और सेवन लिख देंगे। और इसमें से कौन कौन से आए थे? टू आया था, फोर आया था, सिक्स। ठीक है, अब ए का रिलेशन बी के साथ बना था। ठीक है, बना था ना, क्योंकि थ्री बड़ा था टू से। फिर फाइव का इसके साथ भी बना था और इसके साथ भी बना था। ठीक है, फिर सेवन का इसके साथ भी बना था, फिर इसके साथ भी बना था और इसके साथ भी बना था, तीनों के साथ बना था। यानी एक रिलेशन इसका बना था, फिर दो फाइव के बने थे, और फिर तीन सेवन के बने थे। आया समझ में? तो ये क्या हो गया? डोमेन एंड रेंज। तो पहले वाले को हम डोमेन बोलते हैं और दूसरे को रेंज बोलते हैं, और बीच में क्या होता है? रिलेशन होता है, फ्रॉम सेट ए टू फ्रॉम सेट बी। समझ गए? तो ये था हमारा डोमेन और रेंज। ठीक है, पहली एंट्री को डोमेन और दूसरी एंट्री को रेंज। ठीक है, अब देखो, अब हम सीखते हैं इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, किसी भी रिलेशन का इनवर्स। इनवर्स क्या होता है? तो देखो इनवर्स क्या होगा, अगर वैसे ही दिया होगा, आर क्या है? कोई रिलेशन है, किसमें? सेट ए में। ठीक है, और सेट बी में। ठीक है, सेट ए से सेट बी में आर क्या है? एक रिलेशन है। ठीक है, तो आर इनवर्स जो है ना, तो आर इनवर्स जो है वो क्या हो जाएगा? सेट बी से सेट ए में जो रिलेशन है, ठीक है, वो सेट बी से ए में, यानी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरी भाषा में कहें तो डोमेन तो जो कन्वर्ट हो जाएगी वो रेंज में, और रेंज कन्वर्ट हो जाएगी डोमेन में। अगर बोले मान लो कोई भी रिलेशन है, उसका रिलेशन का इनवर्स निकालो, तो जो रेंज वाले एलिमेंट्स है ना, यानी बी वाले, सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो तो डोमेन हो जाएंगे, और जो डोमेन यानी सेट ए में जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे? रेंज हो जाएंगे। समझ गए? या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, डोमेन ऑफ आर। ठीक है, अब जो रिलेशन है ना, रिलेशन में जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी? रेंज ऑफ आर इनवर्स, यानी रिलेशन आर इनवर्स होगा तो वो रेंज हो जाएगी। इसी तरीके से रेंज ऑफ
आर। अब जो रिलेशन है उसमें जो रेंज होगी वो फिर क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, किसमें, इनवर्स में। अगर उसी रिलेशन का इनवर्स निकालेंगे तो उसमें वो क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। इनवर्स मतलब जो हमने सेट ले रखा है ना उसमें ए के एलिमेंट बी हो जाएंगे और बी के ए हो जाएंगे, यानी उल्टा हो जाएगा सारा। ठीक है, तो देखो एन क्या ले लिया हमने, एक एन ले लिया, एन इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, एन इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, ले लिया। अब देखो इसमें रिलेशन दिखा दिया मैंने, सपोज करो मैंने रिलेशन दिखा दिया ए और आर के बीच, ए और बी के बीच में एक रिलेशन है, और रिलेशन कैसे है, ए प्लस टू बी इक्वल है 10। समझ गए क्या है भाई, अगर ए और बी दोनों को हम जोड़ते हैं बी को 2 से मल्टीप्लाई करके तो 10 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम एलिमेंट्स ले लेंगे। ठीक है, अब नेचुरल नंबर यानी हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, और 10 ये आ गए सारे, 10 तक का ले रखा था। अब देखो, अब मान लो रिलेशन दे दिया, इसमें से मैंने रिलेशन निकाल लिया पहले ही। ठीक है, क्या ये बनेगा, तो सपोज करो मैंने 2 लिया। ठीक है, तो बी में अब क्या लू मैं, 10 बनेगा, बी में देखो 4 ले लेता हूं, तो 4 2 8 और 2 10, तो बी की जगह ले लिया मैंने 4। ठीक है, फिर ऐसे ही मैंने सपोज करो 4 ले लिया ए की जगह। ठीक है, इधर तो इवन नंबर ले लेंगे तो बचेगा वो भी इवन ही आएगा, तो ओड हम ले नहीं सकते, ओड देंगे तो 10 नहीं बन रहा इधर, तो हमने 4 ले लिया, तो 4 2 8 और मतलब यहां पे 4 लिया तो 4 और इसके अंदर क्या जोड़े, 6 यानी 3। ठीक है, तो 4 और 3। ठीक है, फिर इसी तरीके से 6 और 2 बनेगा, फिर और क्या बनेगा, 8 और 1। ठीक है, मैं इसमें वैल्यू पुट करता रहूंगा, जैसे इसमें मैंने ए की जगह 2 रखा और बी की जगह 4, तो 10 बन गया, तो ये मेरा रिलेशन हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है भाई आर इनवर्स, यानी इसका इनवर्स निकालना, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन आर इनवर्स, तो अब उल्टा हो जाएगा अब, यानी ये जो है ना हमारा ए प्लस टू बी इज इक्वल टू 10, अब ये चेंज हो जाएगा, यानी ए की जगह तो बी आ जाएगा और बी की जगह ए आ जाएगा, अब 10 बनना चाहिए। ठीक है, अब हम ए की जगह क्या ले और बी की जगह क्या ले, अब सपोज करो मैंने ए की जगह ले लिया 1, तो 2 1 2। ठीक है, तो बी की जगह क्या आएगा, 8। समझ गए, वापस से 10 बन गया, इसी तरीके से बना देंगे। अब 2 ले लूं तो 2 2 4 4 और यहां पे क्या आएगा, 6। ठीक है, फिर 3 लूं, 3 2 6 6 में और फिर बी की जगह क्या लेगा, 4। ठीक है, फिर मैं और क्या लूं, मान लो 4 ले लूं तो 8 और 2 ये बन गया। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब देखो जरा ध्यान से, तो सारे उल्टे हो जाएंगे, 8 1 1 8, 2 6 2, 4 3 और 4 2, तो ये हो गया इसका इनवर्स, ये इसके इनवर्स के एलिमेंट हो गए। तो किसी भी रिलेशन का इनवर्स निकालना है तो डोमेन चेंज हो जाती है रेंज में, और रेंज चेंज हो जाती है डोमेन में, या फिर हम ऐसा कहें सेट ए के जो सारे एलिमेंट है वो सेट बी की जगह पे चले जाएंगे, जैसे ए बी होता है ना, तो यानी ए वाले जो एलिमेंट है वो तो बी की जगह चले जाएंगे और बी वाले एलिमेंट है वो ए की जगह चले जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इनवर्स ऑफ रिलेशन।